फ्रेंड्स, आज मैं मौजूद हूँ किचन में। देख रहे हैं आप कि किचन में आज हम एक डिश बना रहे हैं जिसको कहते हैं सब यखनी। तो आज हम यखनी बनाएंगे बिल्कुल आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेने हैं 3 चम्मच जो है मक्खन। देख रहे हैं आप, बिल्कुल फ्रेश मक्खन बना हुआ है। तो ये 3 चम्मच हम मक्खन लेंगे और इसको हम डाल देंगे कुकर में। तो फ्रेंड्स, जो हमारा जो चिकन है वो हमने धो लिया है। चिकन धोने के बाद फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट के लिए हम इस चिकन को इस मक्खन में फ्राई कर लेंगे। ये चिकन जो है ये 1/2 kg है, देसी मुर्गी है। 3 से 4 मिनट के लिए हम चिकन को इस मक्खन में फ्राई करेंगे। 1 टेबल स्पून हम अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। ये देख रहे हैं, 1 टेबल स्पून हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लिया है। इन दोनों को हम बीच में मिक्स कर देंगे। 1 मीडियम साइज का हमने प्याज लिया है जिसको हम इसके अंदर डालेंगे, मिक्स करेंगे। 1 हम तेज़पत जो है इसको भी हम बीच में डाल देंगे। ये हमने दालचीनी का पाउडर बनाया हुआ है, ये भी हम बीच में डाल देंगे। ये देखें, इतनी सी हम बीच में काली मिर्च कुटी हुई जो है वो भी बीच में मिक्स कर देंगे। 1 टेबल स्पून हम बीच में ज़ीरा मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून हम बीच में सौंफ मिक्स करेंगे। 3 बीच में हरी इलायची हम बीच में शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून हम बीच में नमक ऐड करेंगे। 2 लीटर मिक्स कर देंगे। 2 लीटर हमने पानी बीच में मिक्स करना। 2 लीटर हमने पानी बीच में मिक्स कर लिया और अब इसको हम 25 मिनट के लिए इसके ऊपर हम वेट रख देंगे और ऊपर से इसको हम करते हैं अब बंद। फ्लेम को हम कर देंगे मीडियम, इसको थोड़ा तेज कर देते हैं। देखें फ्रेंड, हमारा जो सूप है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखें, देख रहे हैं कितना प्यारा खूबसूरत कलर है। अभी हमने कुकर में से बाहर निकाल लिया है। चिकन जो है वो भी हमारा जो है वो बिल्कुल गल गया है। बहुत ही मज़े का है, मैंने अभी टेस्ट किया है तो बहुत ही मज़े का लगा जी। फ्रेंड, तो हमारा जो सूप है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देख रहे हैं, चिकन जो है ये भी बिल्कुल नरम नरम चिकन है। देख रहे हैं, अब हम चेक करके आपको बताते हैं कि ये आज जो सूप हमने बनाया है वो कैसा बना। तो मैं शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत टेस्टी है फ्रेंड, बहुत ही मज़े का बना हुआ है। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आप सूप जो है वो कैसा बना। तो इसके साथ ही अब हमें दें इजाज़त। आज का व्लॉग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और दुआओं में याद रखिएगा।
और मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।